हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आई वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मेरे पास बहुत सारे एक्चुअली आजकल मेल आ रहे हैं एंड उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग है, लाइक वो 4-5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं एंड वो UPPCS या RU के लिए कई बार मतलब अप्लाई पहले भी कर चुके हैं एंड UPPCS में कई बार उन्होंने दिया, कई बार हो भी गया। इधर इस बार ये जो था 2023 वाला, उसमें नहीं हुआ है या RU को लेकर के वो थोड़ा सा एक होपफुल है कि इसमें कुछ बेटर करते हैं। उनका जो डाउट है वो बेसिकली ये है कि उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है अपनी जॉब ऑफ के बाद, उनका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है और बहुत से लोग उसमें ऐसे भी मैसेज आता है जो उनके पास ऐसा मतलब कोई वो वर्किंग नहीं है, नॉर्मली है बट उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कहीं चले गए, कभी कुछ एंड पढ़ाई नहीं हो पाती है बेसिकली। सो क्या ऐसा करें कि हम एक्सेल कर पाएं, क्या कोई हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए? एंड वो बताते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, लाइक उन्होंने पिछले साल या अभी UPPCS 2023 के पहले उन्होंने किसी ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था, किसी ने पीसीएस मंत्रा को ज्वाइन किया था, किसी ने डीकोड एग्जाम को ज्वाइन किया था, किसी ने और किसी को ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से लोगों ने ज्वाइन कर रखा है एंड अब वो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें बता दीजिए कौन सा क्या ज्वाइन करना है, लेकिन हम कैसे इस बार हमें निकालना है हर हालत में और हमारी बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है, हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन के थ्रू इस तरह से कर लें तो क्या हमारा हो जाएगा। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपने ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन की, आपने जो भी कंटेंट वगैरह है पढ़ा, और ये भी चीज़ आती है कि जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा है कि रिवाइज़ नहीं हो पाता है। सो उस चीज़ में मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, मैं अगर आप मुझसे जानना चाहें मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आपने कोचिंग वगैरह कर ली है, जो भी बेसिक स्टडी मटेरियल होता है, जो भी बेसिक स्ट्रेटजी होती है वो आपको पता लग गई है, ये तो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो मेन जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपसे बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, लाइक आप बिजी हैं, 7-8 घंटे की 9 घंटे की या 10 घंटे की आपकी जॉब है, फिर आपको 2-3 घंटे मिलते हैं, उसमें फिर इतना फटीग होती है, इतना इंसान टायर्ड होता है कि फिर वो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, और जो थोड़ा बहुत टाइम निकलता भी है उसमें वो ऑनलाइन वगैरह पढ़ लेता है लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाती है, यही एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा आपसे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ पता नहीं है, कि आपके पास कोई PDF नहीं है, या आपके पास कंटेंट की कमी है, या आपको कोई ऐसा ऑनलाइन कोई चीज़ की कमी पड़ रही है कि आपका नहीं निकल रहा है। इट्स जस्ट कि आपका फोकस कम हो गया है, और फोकस का सीन ये है कि जो UPPCS है या RU है, इसमें आपको बैठ के अकेले कमरे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पूरा पढ़ के निकाल लेते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, सिर्फ उन्होंने वीडियोज़ वगैरह देखे, ऑनलाइन करंट अफेयर्स तैयार किया और सारी चीज़ें की एंड उनका हो गया, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं, लाइक 10 में 1 इंसान है या 100 में 2 इंसान है, इस तरीके का रेश्यो होता है। तो हर इंसान इतना टेक सेवी नहीं होता है या हर इंसान इतना वो नहीं होता है कि वो ऑनलाइन सारी चीज़ें कर ले। सो प्लीज़ पहले तो आप अपना थोड़ा सा पैटर्न देखिए, नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या आप काफ़ी उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं एंड आपको लगता है कि नहीं ऑनलाइन में इतना कंफर्टेबल नहीं है लेकिन एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए हम ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। सो वो आपका सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। कोचिंग इस समय यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी कोचिंग कर ली है तो इतना आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने उस कोचिंग से सीखा है, लाइक जो भी आपने स्ट्रेटजी सीखी है, जो भी आपने गाइडेंस लिया था, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, वही आपको आगे ले जाएगा। इट्स जस्ट कि आपको बैठना पड़ेगा एंड वो टाइम देना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि हमको तो 1-2 घंटे मिल रहे हैं, 2.5 घंटे मिल रहे हैं, एक इंसान ऐसा है जो पूरे दिन घर बैठ के तैयारी कर रहा है तो वो तो हमसे आगे निकल जाएगा, हमारा तो होगा नहीं। बस यहीं पे थोड़ा सा लूप है जिसमें इंसान फंस जाता है। देखिए, आपने कोचिंग कर रखी है या आपको आपके पास एक्सपीरियंस है, आप लगातार काम भी कर रहे हैं, सो आपका माइंड काफ़ी फ्रेश है और आप वर्किंग मोड में हैं। सो आप अगर 2-2.5 घंटे भी पढ़ेंगे तो वो आपकी क्वालिटी स्टडी होगी, रादर देन कि एक इंसान की पूरे दिन खाली है, वो 8 घंटे कह तो रहा है कि पढ़ रहा है लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है, आउटपुट नहीं निकल रहा है। सो बेसिकली जितने भी ऐसे लोग हैं जिनसे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है एंड वो थोड़ा सा ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, उनका थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन है वो अपना शिफ्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं कैसे अपना जो 1-2 घंटा 3 घंटा मुझे जो किसी तरह से मिल पाए, और जब मिलता है तो उसमें आप ट्राई करिए कि आप कैसे नोट्स पर काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जितना भी शॉर्ट नोट्स पर काम करेंगे, जब भी आपको 1-2 घंटा 2 घंटा मिलता है तो उसमें ऐसे देखिए कि मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा है एंड मुझे उसी में तैयार करना है एंड उसी में फिर अपना नोट्स वगैरह तैयार करिए, चाहे आप डिजिटली तैयार करिए, अगर किसी के पास आईपैड वगैरह हो या लैपटॉप वगैरह पे कंप्यूटर पर तैयार कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, या फिर आप भले ही पेन पेपर पर तैयार करिए बट नोट्स तैयार करिए। 1-2 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के 6 घंटे के बराबर हो, और इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नंबर भी बढ़ रहे हैं और आप डे टू डे बेसिस पर टारगेट बनाइए। आप बहुत ज़्यादा लंबा ना सोचिए कि मेरे को जब टाइम मिलेगा तब मैं पढ़ूंगी या मेरे को जब उस जगह से वहाँ पे मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं 4 घंटे पढ़ लूँगा 6 घंटे। आप रोज़ का सिंपल टारगेट बनाइए कि यार मेरी 8 घंटे की जॉब है, बाकी मेरे टाइम 6-7 घंटा सोने का रहता है, 2-3 घंटे और निकल जाते हैं, मैं डेली 2.5 घंटे किसी तरह निकालूंगा यार, 2.5 घंटे मैं निकालूंगी एंड उसमें मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं कैसे 4-5 टॉपिक जो अपने हैं वो कंप्लीट कर लूँ। 1-2 टॉपिक हर किसी के ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप एक ही सब्जेक्ट के 4 टॉपिक ले लीजिए, कभी मॉडर्न हिस्ट्री की 3 चीज़ें उठा लीजिए, कभी पॉलिटी की 4 उठा लीजिए, कभी ज्योग्राफी की 3 चीज़ें उठा लीजिए, टॉपिक वाइज तैयार करिए और ये प्लान बनाइए कि हाँ जब अगले दिन मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा 2.5-2 घंटा जो भी आपके टाइम पर आपके पास टाइम मिल रहा है उसमें स्टार्टिंग के 15 मिनट मैंने जो लास्ट में पढ़ा था कल उसको मैं रिवाइज करूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो उससे क्या है, आप देखोगे और एक कॉपी और एक पेन बनाओ
और अलग रखो उसको, और उसमें अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करो कि हाँ भाई मैंने इस दिन 2 घंटे पढ़ाई की थी, इसमें मैंने इतना 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 पढ़ा, अगले दिन मैंने इसको रिवाइज किया, मेरी ये चीज़ तैयार हो गई। जो मोटे मोटे टॉपिक है उनको लिख लो, लाइक DPSP पढ़ रहे हो तो लिख लो, या अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ रहे हो, या अगर इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पॉलिटी में पढ़ रहे हो तो उनको लिख लो कि यार इमरजेंसी प्रोविजंस मैंने पढ़ा था, मैंने यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ा था, मैंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं मैंने ये सब उसका देखा था पॉलिटी में। सो इस तरह से आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, इससे क्या है तो एक तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इससे क्या है कि एक तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, इससे क्या है आप बैठना सीखोगे, और जिस दिन आप बैठना सीख लोगे ना कि हाँ 2 घंटे बैठना सीख ले रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो जो बंदा 6 घंटे भी पढ़ रहा है ना आप उसके बराबर आराम से आ जाओगे, सो कहीं से भी ये चीज़ नहीं होगी। और बाकी आप ऑनलाइन आपको जैसा सूटेबल रहता है, लाइक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या ऑफिस में आप हो, आप लंच कर रहे हो, आपको टाइम मिल रहा है 15 मिनट लगा के वीडियो देख लो सुन लो, सो इट्स लाइक कि ऑनलाइन तो आप एफोर्ड कर लोगे, लेकिन जो आप ऑफलाइन में मेहनत नहीं कर पा रहे हो ना या फोकस अपना शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको पीछे ट्रैक कर रहा है। सो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बैठना सीखना पड़ेगा, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दे सकता कि नहीं 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 आपका ऑनलाइन से हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन से होने वाले के वो जो नंबर है वो संख्या है वो बहुत कम है, आपको नहीं पता है कि जो लोग सिर्फ ऑनलाइन से कर रहे हैं वो कितने लोग फेल हो रहे हैं। सो इसलिए जब एक किसी का 2 का हो जाता है और वो एकदम से यूट्यूब पे ग्लैमराइज हो जाती हैं चीज़ें, तो ऐसा लगता है अरे इन्होंने तो केवल यूट्यूब से ही 21 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में ऑनलाइन ही सारी चीज़ें पढ़ ली, इन्होंने कोई कोचिंग का बैच नहीं लिया है या इन्होंने कुछ नहीं किया, बट जो पीछे की जो स्टोरी होती है वो नहीं पता होती है। तो उससे बहुत से लोग बहक जाते हैं कि हाँ भाई हम भी ऐसा कर लेंगे, मेरे पास भी नहीं है टाइम, हम भी ऑनलाइन पढ़ लेंगे पूरा। तो आपको अपना पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हो सकता है कि आप ऑफलाइन में बहुत अच्छा सीखते हो बट इट जस्ट कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं एंड उससे आपका स्ट्रेस हो रहा है। सो आई थिंक आपको इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी एंड आप किसी तरह से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकाल पाएंगे। स्टार्टिंग में अगर आप 1 घंटे भी निकाल पाएं तो बढ़िया है, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको आजकल 1 घंटे भी बैठने का मौका नहीं मिलता है पढ़ने का तो आप पहले 1 घंटा निकालिए, फिर आप 1 घंटे जब बैठने लगे तो 1 घंटा 15 मिनट, फिर 1.5 घंटा, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाइए। थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी और खुद पे काम करना पड़ेगा और खुद का जो टाइम है जो इधर उधर वेस्ट होता है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, खुद के माइंड को पुश करना पड़ेगा। भले ही आप 8 घंटे जॉब कर रहे हो 10 घंटे जॉब कर रहे हो लेकिन आपको देखना पड़ेगा यार कि मुझे अपनी एनर्जी कैसे भी कंजर्व करनी है, दिमाग अपना मेरे को स्ट्रेस से बचाना है और मुझको किसी तरह 1-2 घंटे निकाल लें ताकि मैं उसको ढंग से पढ़ सकूं। और उस टाइम पर सिर्फ पढ़िए, लाइक फोन ऑन है, यूट्यूब है, कुछ भी है उसको एकदम हटा दीजिए, उस 1-2 घंटे में 2 घंटे में फोकस करिए कि मुझे कैसे पढ़ना है और कैसे मुझे अपना यहाँ से बेटर करना है। और आपकी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, आप लाइक स्विच करना चाहते हो अपनी जॉब से, तो इससे बेटर वे कोई नहीं हो सकता है। थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा लेकिन उसका फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो अभी नहीं पता लगेगा लेकिन जब आप डेली मेहनत करोगे तो 6 महीने के बाद वो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट लग के आपको मिलेगा। सो आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो, चैनल पे नए हो कुछ सीखने को मिला करे, कुछ आपके प्रोफेशन में या लाइफ में कुछ वैल्यू एड हुआ करे, कुछ लगा करे कि हाँ यार काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। 20-25 हज़ार लोग नए मेरे चैनल पे आते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खराब लगे तो भी बताया करो बट शेयर किया करो। हर एक इंसान, हर एक बंदा या बंदी जो मेरे चैनल पे आता है वो इंपॉर्टेंट है, उसका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा।